तो एक्सरसाइज 6.8 में तुमको पहला और दूसरा हम बता दिए थे। अब नंबर थ्री में कह रहा है कि सिप्रा बाइज फ्रीज 4 रुपीज 35,000, ही पेज ₹15,000 टू द शॉपकीपर एंड डिसाइड्स टू पे द रेस्ट ऑफ द मनी इन 4 equal parts, तो हाउ मच मनी विल सी हैव टू पे इन ईच पार्ट। कह इस सवाल में कह रहा है कि सिप्रा ने 35,000 रुपये में एक फ्रीज खरीदी और उसने दुकानदार को 15,000 रुपया तत्काल दे दिया और जो बच गया उसको 4 बार में कहता है बराबर वह जो है उसको दुकानदार को देगी। तो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक पार्ट में जो है वह कितना रुपया करके देगी। तो पहले क्या करेंगे, लिख देंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ फ्रीज इक्वल टू है ₹35,000 गिवन टू द शॉपकीपर। इक्वल टू दिया कितना 15,000, तो रेस्ट अमाउंट क्या बचा। देयरफॉर रेस्ट अमाउंट तो ₹35,000 में माइनस कर देंगे 15,000 को, ये 0005501 2, तो 20,000 रह गया। यह 20,000 4 बार में बराबर देगा। तो यहाँ पर कह रहा है तब लिखेंगे देयरफॉर पेड इन ईच पार्ट अमाउंट पेड इन ईच पार्ट, तो जो रेस्ट अमाउंट है 4 बार में देगा तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 20,000 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 5 20 रुपीज 5,000 करके प्रत्येक पार्ट में जो है सिप्रा जो है फिट करेगी। यही हो गया आंसर। अब नंबर 4, गर्ल्स एंड 12 बॉयज इन ए क्लास, कहता है कि एक क्लास में 16 लड़कियां और 12 लड़के हैं। द टीचर आस्क्ड देम टू वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, और शिक्षक ने कहा कि तुम लोग लड़का लड़की दोनों मिलकर जो है ग्रुप बनाओ, अब प्रत्येक ग्रुप में 4 स्टूडेंट रहना चाहिए। तो कह रहा है तो कितना ग्रुप बनेगा। तो नंबर 4 में गर्ल्स और बॉयज दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 + 12 = 28 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इक्वल टू 4, तब लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ ग्रुप्स का था निकालने के लिए
तब लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो 28 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 से बन जाए 28, तो 7 जो है 7 ग्रुप जो है बना, यही हो गया आंसर।